अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, जब हो गया तुम पे ये दिल दीवाना, अब चाहे जो भी कहे हमको जमाना, कोई बनाए बातें चाहे अब जितनी हो, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, तेरे प्यार में बदनाम दूर दूर हो गए, तेरे साथ हम भी मशहूर हो गए, देखो कहाँ ले आए देख दी अपनी हो, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, तुम पे मरना है जिंदगी अपनी हो, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। ओम शांति। और सबसे बड़ा गहरा अनुभव एक रिश्ते का, क्योंकि जब हम अपने उम्र अपने शारीरिक उम्र की दहलीज पार करते हैं तो कभी बहन कभी बेटी कभी एक प्रेमी के तौर पे कभी पत्नी के तौर पे कभी माँ के तौर पे एक फीमेल जब अपनी जिम्मेवारियाँ निभाती है तो वो जैसे कि एकाग्र हो जाती है, वो दुनिया से कुछ डिटैच हो जाती है, फिर वो अपने लिए नहीं जीती है अपनों के लिए जीती है। तो ऐसा ही कुछ हुआ, ये जब क्रॉस होने लगा जीवन तो उसके बाद जो बाबा ने जो अनुभूतियाँ कराई आज तक, तो ऐसा लगता है कि वो क्या क्या सिखाना चाहते हैं। और वो एकाग्रता, वो कुछ गीत आज भी मेरे कान में जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई खींच रहा है, कोई अंदर से कोई टेलीपैथी की तरह कोई जैसे याद करता है और वो याद जैसे मेरे तक पहुँच जाती है और जैसे कि हमको नया तरोताज़ा कर जाती है। दुनिया में कभी किसी की ना आकर्षणों में साधन सुविधाओं में बुद्धि नहीं जाती, क्योंकि कहते हैं कि टूटने लगे हौसला अगर तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तोताज नहीं होते, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी अपनी मंजिलों को, जुगनू कभी किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो जो राहें हम स्वयं चुनते हैं, हम जिसमें स्वयं अपने जीवन साथी के साथ चलते हैं, तो उसमें हम बहुत अनुभवी होकर के चलते हैं तो हम दूसरों को भी वो अनुभव कराने के भी हकदार हो जाते हैं और स्वयं भी अनुभवी बन करके हम सच्ची सीताएं बन करके सच्ची पार्वतियां बन करके उस अपने साजन के लिए, उस अपने पिता के लिए, उस अपने हर रिश्ते के लिए। एक बार रक्षाबंधन में सबको राखी का न्योता दे करके आ रहे थे, थक करके बैठे बाबा के रूम में, तो ये मन में आया कि बाबा सबको तो देकर आए हैं, सुबह सुबह तो आपको सबसे पहले आना है, आप तो मेरे सबसे पहले भाई हो। फिर कह करके फिर तैयारियों में व्यस्त हो गए, सुबह नहीं आया याद। फिर जब तैयार हो करके गद्दी पर बैठे भोग लगाने के लिए, एकदम से जैसे टच किया उसी ने कि देखो तुम तो मुझे कह के भूल गई और मैं तो कब से आया हुआ बैठा हूँ। आज भी वो अनुभव
वो जैसे कि कितना प्यारा है, कितना अपना है, और उसके टचिंग के बिना ये जीवन चलाना, ये जीवन वो अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन वो अनुभव करे बिना ये ब्रह्मा कुमारी जीवन, ये समर्पित जीवन जैसे अधूरा है। और इस अधूरे आधे अधूरे जीवन को जीने में वो मज़ा नहीं है, वो रमणीकता नहीं है, क्योंकि ये कोई सादा जीवन नहीं है। जब स्पीकिंग कोर्स कर रहे थे तो लोग बहुत तरीके से अंदर की भावनाओं को जानने की कोशिश करते थे क्वेश्चनों के माध्यम से। लास्ट में उन्हें, क्योंकि ईश्वर के रंग में रंगा हुआ ये जीवन है, तो लास्ट में उन्हें यही अनुभूति होती थी कि नहीं, आपकी बातों में कुछ खास है। वो खास और कुछ नहीं था, वो खास वही तो था। और वो कहते थे कि आपका जीवन तो वाइट है। नहीं, इस वाइट रंग में सातों रंग समाए हैं। तो वो हमको सच्ची मीरा बना देता है, सच्ची सीताएं बना देता है, क्योंकि वो बहुत रमणीक है। वो हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। इस हिस्से के बिना आज, क्योंकि ये कहा जाता है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो अर्पित हो गया है, समर्पित हो गया है ये जीवन, अपना रहा ही नहीं है। तो एक माँ की तरह, एक घर को चलाने वाली मुख्य लाइफ पार्टनर की तरह, बुद्धि जाने का कोई टाइम ही नहीं है, कोई मौका ही नहीं है, कोई समय ही नहीं है।